दोस्तों, जो इस प्रकार की खबरें फैलाते हैं उनको चाहिए कि आपकी भावनाओं से ना खेलें और उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के घटिया वीडियो बनाते समय। दोस्तों नमस्कार, एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि आचार संहिता लग चुकी है, जो कि पंचायती चुनाव को लेकर है, और अब जो रिजल्ट है उसको कम से कम 2 से 3 महीने बाद घोषित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रकार की जो अटकलें लगाई जा रही हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि ना तो अभी कोई आचार संहिता लगी हुई है और ना ही शिक्षक भर्ती में डिले की कोई ऐसी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, जितने लोग भी ये वीडियो फैला रहे हैं, जो मैसेज फैला रहे हैं, पेपर की कटिंग वायरल की जा रही है, ये पूर्णतः अविश्वसनीय है। और आपको दोस्तों इस वीडियो को भी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हमको सुबह से कंटिन्यूस फोन लगा रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, वो कटिंग भी हमने देखी है। उस कटिंग को आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनवरी फरवरी के आसपास कोई चुनाव होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद पुराने चुनाव की बात चल रही है, या फिर कोई चुनाव होंगे भी तो आचार संहिता अभी कोई लगी नहीं है। उसमें एक पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि आचार संहिता लग चुकी है, इसकी वजह से अब प्रशासन के द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही मान्य नहीं होगी, यानी प्रशासन अब कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली बात तो ये कि ऐसी कोई आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 महीने अगर रिजल्ट लेट होता है तो फिर जरूर आचार संहिता लग जाएगी और आपका रिजल्ट फिर लटक जाएगा और भर्ती भी लटक जाएगी। तो प्लीज आप सबको प्रयास करना है, भोपाल में जो बड़ा आंदोलन होने वाला है उसके लिए आपको तैयार रहना है, और जिस दिन भी दोस्तों वो डेट डिक्लेयर होती है आपको अपने शहर छोड़कर भोपाल आना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस बार अनिश्चितकालीन होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों इस बार प्रदेश स्तर से लोग वहां पर जाके इकट्ठे होंगे, तो आप भी तैयार रहें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब डेट हम डिक्लेयर करेंगे, हमारी टीम कमेटी पूरी एक साथ बैठेगी, और जब हमको सूटेबल डेट मिलेगी, परमिशन मिलेगी, हम आपको सूचित कर देंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारे साथ बने रहें आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर की कटिंग जो वायरल की जा रही है कि मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 स्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 3 चरणों में क्रमशः 20, 22, 24 जनवरी को होंगे। मतदान जो है वो प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसके बाद मतदान केंद्र पर ही मतों की गणना की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखें कि पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि अभी ना तो कोई आचार संहिता लगी है और ना ही इस प्रकार की कोई खबरें हमारे पास आ रही हैं। अगर दोस्तों कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम आपको बताएंगे। और इसके नाम पर, ये आचार संहिता के नाम पर क्या है, शिक्षक भर्ती को अटकाने की बात जो है वो की जा रही है, जो कि बेबुनियाद है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो मेन आपका जो ये संस्करण है, मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना है ये, अगर किसी ने बनाया भी तो गलत है। मध्य प्रदेश पंचायत सरपंच अब पंचों द्वारा चुने जाएंगे। एमपी सरकार जल्द ही पंचायत चुनाव के लिए नया फैसला लेने जा रही है। अब सरपंच जनता द्वारा नहीं जबकि पंचों द्वारा चुने जाएंगे। जिस प्रकार से उप सरपंच का चुनाव होता है उसी प्रकार सरपंच का चुनाव होगा। अब दोस्तों जो क्या सत्ता है क्या नहीं है हम आपको बहुत जल्द बता देंगे, लेकिन आपको जरूर एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लोगों को जरूर पहुंचाना है, जिससे कि उनको भी जो आचार संहिता के नाम पर मध्य प्रदेश का जो जो रक्षक वाला रिजल्ट है अटक गया है, ये भावनाएं जिनके मन में आ रही हैं वो गलत साबित करने के लिए शेयर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, जो इस प्रकार की खबरें फैलाते हैं उनको चाहिए कि आपकी भावनाओं से ना खेलें और उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के घटिया वीडियो बनाते समय।